भाई गुरशरण सिंह जी लुधियाना वालियां दी रस भिन्नी आवाज विच हर वेले कथा कीर्तन अते सिमरन दा आनंद मानन लई भाई गुरशरण सिंह जी ऑफिशियल चैनल यूट्यूब नू सब्सक्राइब करो अते नवे कीर्तन वीडियोज लई बैल आइकन नू जरूर दबाओ अते ऑल नू सिलेक्ट करो। इस नाल हर नवे वीडियो दा नोटिफिकेशन आप जी दे मोबाइल ते आएगा, फिर तुसी उस दा आनंद माण सकदे हो। टेक है जो सिर सबना समरथ है, एक सैदी में टेक है जो सिर सबना समरथ। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु सैदी में टेक है। हर एक सैदी में टेक है, हर एक सैदी में टेक है, हर एक सैदी में टेक है। एक टेक रखो मन माहे, 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 एक टेक रखो मन माहे। नानक बौर ना वे जाए, नानक बौर बौर नया जाए, नानक बौर नया जाए। हर एक सैदी में टेक है जो सिर सबना समरथ, हर एक सैदी में टेक है जो सिर सबना समरथ। हर एक सैदी में एक है जो सिर सबना समरथ, हर एक सैदी में एक है जो सिर सबना समरथ। खंडूर साहब रोजाना सात संगत दरबार भी सजदा और लंगर भी चलता है, और गुरु अंगद साहब महाराज जी दे लंगरां दे विच देसी घिओ दी साध संगत खीर रोज बनती सी। ते बड़े दूर दूर तो संगतां लंगर वास्ते पहुंचदियां सन। ध्यान देना, एक सिख आऊं कह लो एक बहरूपिया सिख दा रूप धार के आ गया खंडूर साहब। उन्होंने पता सी लंगर चलता खीर रोज बनती है, वधिया वधिया पदार्थ बनते हैं, आके बह जाया करे लंगर च, लंगर आराम नाल छकिया करे डट के, ते जाके सतसंगत कोठरी च सो जाए। कोई सेवा नहीं, कोई सिमरन नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई कुछ नहीं। हुण इदां करदिआं नूं काफी समा लंघ गया। वह बहरूपी आ सिख बन के आया। सिखां ने बाबा बुढ़ा जी नूं बेनती की, कहिंदे बाबा जी भई उह फलाणा जिहड़ा सिख है उह खाली लंगर वेले ही आंदा है, पंगत च बहिंदा है, लंगर छकदा है, खीर डट के खांदा, फिर जाके पै जांदा है, सो जांदा है। जे सो के उठदा ते वेला बैठा रहिंदा, कोई सेवा कोई कुछ नहीं। बाबा जी उहनूं कहो ना कीर्तन च आंदा है, ना किसी सेवा नूं हथ लांदा है। कहिंदे इदां मतलब खाली लंगर वास्ते ही आ रहा, तो यह माड़ी गल, यह माड़ी गल। सत्संग बाबा बुढ़ा जी उहदे कोल गए, कहिंदे ओए पुरखा भी इह गुरु अंगद साहब महाराज का दरबार है, धन गुरु नानक साहब महाराज का दरबार है, इत्थे बंदा अपना आपा सवारन लई आंदा, इत्थे दोनों भोजन चलदे,
एक तन का भोजन एक मन का भोजन। तू खाली तन के भोजन के उपर ही जोर दिता है, मन का भोजन अमृतमई कीर्तन फिर सेवा आ चीजा जड़िया। तो तू ये तेनू ना कीर्तन चे वेख्या ना तेनू सेवा चे वेख्या, तू सुनिया बई खाली प्रशादा छकद खीर डट के छकद फिर जाके सो जा। उन्हें बाबा बुढ़ा जी दे नाल बहुत बोल कबोल बोले, बड़े माड़े बोल बोले। इतने तक जिक्र च लिखिया कहिंदे उन्होंने ये कहता कहिंदे मैं नहीं मनदा तुहाडी कोई गलबात, मैं नहीं मनदा, मैनू तो जो सतगुर कहणगे मैं तो वह मना, जो मैनू सतगुर कहणगे आ सेवा करनी है मैं वह सेवा करांगे। सतगुरों का दरबार है तुहाडा दरबार नहीं, तुसी कौन होंदे हो मैनू बोलण वाले। बड़ा बोल कबोल बोले बाबा बुढ़ा जी शांत हो गए, क्योंकि ये पढ़ाई सानू भी सतगुरों ने पढ़ाई है। पढ़ अखर एहो बूझिया मूर्ख है नाल, एक बंदा अगला मूर्खताई ते आ ही गया, बिल्कुल मूर्खताई ते आ गया, फिर सियाणप यह होंदी है कि उत्थे बंदा चुप कर दे, उत्थे निकल जाए। उस मूर्ख नाल खैबड़ोगे ना उन्हें अगों होर दी होर होर दी होर होर दी, वो है ही मूर्ख, वो है ही पागल, उन्हें समझ है ही नहीं है, तो वो खैबड़न का कोई फायदा नहीं। बाबा बुढ़ा जी चुप कर गए तो उतों चले गए। इदे ही वह लंगर खाता रहा, खीर खाता रहा, मौजा करता रहा, सौंदा रहा। कुछ समा लंघिया तो सात संगत महाराज जी लंगर हॉल दे विच आंदे सन, लंगर च आके लंगर छकना महाराज जी। ते कुदरती सिखा ने महाराज जी का आसन उथे लाता जिथे अंदर वो कोठड़ी दे अंदर वो सुता होया बंदा, कुदरती जान के नहीं कुदरत। जदों सात संगत महाराज का आसन लगा हुण महाराज वास्ते थाला आया, संगतां वास्ते थाला आया, आवाज मारी गई बई लंगर दी। हुण जदों उन्हें आवाज सुनी तो बुआ खोल के बाहर आया, जदों बाहर आया तो वेखदा महाराज बैठे, औरंग साहब महाराज बैठे। आके उन्हें मथा टेक दिता, पातशाह के चरणा च नमस्कार किया। महाराज ने पूछया कहिंदे भाई कौन है तू, तैनू अगे कदे वेख्या नहीं, की करिया करदा इत्थे, की करिया करदा ते कित्थों आया। कहिंदा जी मैं परदेसी सिख हाँ, तो इत्थे मैं कई चिरां तों पातशाह मैं रहिंदा, सेवा की करदा। महाराज सेवा कुछ नहीं करदा, ते करिया की करदा। कहिंदे जी खाली लंगर छकदा, बोल सच दिता जी भाई खाली लंगर छकदा तो सो जांदा। महाराज कहिंदे कमाल दी गल, तैनू किसी ने समझाया नहीं इत्थे। कहिंदे जी समझाया सी आ तुहाडे आ जिहड़े खड़े ने बाबा बुढ़ा जी, इन्होंने समझाया सी मैं, तो फिर इन्हों के समझे तो तू समझा की कही इन्हों। कहिंदे जी इन्होंने तो बड़ा समझाया सी भाई, मैं खुल के कह दिता भी मैं तुहाडे आखे क्यों लगा, मैं जो सतगुरु जी कहणगे मैं वह सेवा करांगा। बोलिया सच जी उन्हें मैं रूपिए सिख ने, वह कह लगा कहिंदे हुण महाराज तू ही हुक्म लाओ कि सेवा कर, आप जी हुक्म लाओ मैं कि सेवा कर। महाराज दो मिनट चुप कर गए, कुछ चिर बाद महाराज ने कहा कहिंदे तैनू सेवा की लाई है, वो तेरे कोल तां रही अठ पैर गए ने, आखो सतनाम, तेरे जीवन दे खाली अठ पैर बाकी ने, अठ पैर, एक दिन का समा तेरे कोल है, अठ पैरां बाद तेरी मौत हो जानी, ते तू हुण अठ पैरां च की सवार रहेगा अपना, की सवारेगा सेवा कर। वो होश उड़ गए बई महाराज बोल रहे ने तो यह मतलब सच है, मैं अठा पैर बाद में मर जा तो महाराज मेरी गति किवें होएगी। इतना तो यकीन सी कि गुरु नानक की गद्दी दे मालक ने, गुरु नानक ने दूसरे गुरु नानक ने अजमत दे मालक ने, ते सच कहिंदे सच कहिंदे ने। हुण साध संगत उन्हों बिपता पै गई, सोचण लगा महाराज मेरा भला किवें हो, मेरा उधार किवें होएगा, मैं तो सोचता सी हले बड़ा समा पिया, बड़ा समा पिया,
ते तुसी कह दिता कि अठ पैर का समा बाकी है। पातशाह कहन लगे कहिंदे हुण तां समा खाता मैं भाई, तू सोचता रह गया समा निकल गया। आ कई बार साडे नाल भी होंदा है जी, सोचते रह जाने कल नितनेम शुरू करांगे, कल पक्का सुखमनी साहब कल तो शुरू करांगे, कल तो पक्का अमृत वेला शुरू करांगे। ओ कल तो काल का नाम है, कल काल का नाम है, ये जेड़ा कल है ना काल नू ही लेके आंदा है, नितनेम कित्थे लियांदा जी, कल काल करन दा आज का अज्जे ही करमा वाले ओ, ये समा बहुत कीमती, जो लंघ जाता है बंदा उदो पछताता है, उदो रोंद है या मैं की कर बैठा। अमृत वेला सांभो, नेम वधाओ, आ हर धन के पर लियो भंडार, अपने भंडारे हरी धन दे नाल भरो। जिस धन ने अगे जाके सहाई होना है, जिस धन ने तुहाडे कर्म जगाने ने, जिस धन ने सात संगत जी आ भाग जगा के सतगुरां दे चरणा च थां देनी है, आखो सतनाम, वो कर्म कट्ठे कर समा लगा दें, फिर बाद च रोंदे फिरदे आ। गुरु कीआं साखियां विचों रस्ते कढ़ीए, कहिंदा महाराज हुण मेरा भला किवें होऊ, हुण मेरा भला किवें होऊ, अठ पैर रह गए ने मेरे कोल, ते महाराज हुण किवें। पातशाह कहण लगे फिर भला करवाणा ही जी, महाराज कृपा करो। कहिंदे फिर एक काम कर, जंगल च जा चिखा तैयार कर, ते बलदी चिखा च बह जा, आखो सतनाम, बलदी चिखा च बह जा, गुरु नानक साहब तेरा भला करनगे, तेरा उद्धार हो जाएगा, आखो सतनाम। महाराज ने वचन देता, कहिंदे बलदी चिखा च बह जा, जा तेरा उद्धार हो जाए, जितने तेरे माड़े कर्म सड़ जाएंगे। हुण साध संगत बचना ते भरोसा सी, महाराज दे बचना ते भरोसा सी, गया हुण जाके लकड़ां तैयार कीतियां, चिखा तैयार कीती, अग बाल ली, अग दे आले दुआले घूमी जा, हिम्मत पवे ना जी भी किवें मैं सड़ जावां, किवें सड़ जावां। जदों ये गया है ना, ते महाराज ने सिख नाल भेजते पिछे, कहिंदे जे इहने छाल मारती इन्हें मारद सारी कट ले फटाफटा, ही पिछे सिख भेजते कि इनू तकलीफ ना आवे, कोई ए तकलीफ ना आए। सोचण लगा कि भाई की करिए, महाराज का हुक्म है कि भाई अग दे जे सड़ जा तेरी गति हो जाऊगी, भला होएगा तेरा, उधार होएगा तेरा। हुण सतसंग अग दे आले दुआले परिक्रमा करी जा, सोची जाती। इन्ने नूं एक धाड़वी जिहदा नाम आया मेहरा, मेहरा धाड़वी, वह सत्संग चोरी करके आ रहा सी, और बड़ा तगड़ा हथ उहनूं लगा सी जी, बड़ा तगड़ा हथ, बड़ा तगड़ा उहने माल बटोरिया सी। जदों आया ना चिखा दे कोल, उहने वेख्या कहिंदे होए तेरा सरूप तां सिखां वाला, तू सिख है? कहिंदे जी गुरु नानक दा, धन गुरु अंगद साहब महाराज दा सिख ही समझो। कहिंदे फिर इत्थे की करदा मैं चिखा बाल के, चिखा बाल के तू इत्थे की करी जांदा? कहिंदा मैं महाराज दे दरबार च गया सी, खीर खा के सो जांदा सी, कोई सेवा नहीं, कोई सिमरन नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई कुछ नहीं। ते कहिंदे सिखां ने मेरी शिकायत सतगुरु जी नूं ला दी। हुण असल गल सी, किसी सिख ने कोई शिकायत नहीं लाई सी, पर एवे मन च यह सी कि सिखा ने ईरखा वस हो के मेरी शिकायत लाई। कहिंदे सिखा नूं भाया नहीं, उन्होंने ईरखा वस हो के कहिंदे सतगुरु नूं शिकायत ला, ते महाराज ने मैनू यह गल कही भी तेरे कोल तां खाली हुण अठ पैर ही बाकी रह गए ने। ते मैं पुछया महाराज फिर मेरा उद्धार किवें होएगा, जे मैनू भी गुरु नानक के चरणा च थां मिले मेरा उद्धार किवें होएगा दस।
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚਿਖਾ ਬਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੜ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਬਚਨ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਬਚਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਗਤਾ ਆ ਪਕੜ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨੀ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਪਕੜ ਸਾਰੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਹੀ, ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ, ਇੰਨਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਆਹੋ ਸਤਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਦੇ ਦੇ। ਹਰ ਇਕਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਟੇਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਟੇਕ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉੱਪਰ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਆ ਜੋ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਲੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਚਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਚਨ ਇਹਦਾ ਆਇਆ, ਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਇਹ ਬਚਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੂਪੀਆ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਈ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣ ਗਈ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਮੂਰਖ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੰਨਾ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਿੱਚ? ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਦਾਸ ਕੀ ਲਾਜ ਰੱਖੇ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ, ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਾ ਸੜ ਜਾ ਤੇਰੀ ਗਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਕਮਾਏ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਪੁੰਨ ਕਮਾ ਲਾਂ, ਕਿਤਨਾ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਝਾੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਛਾਲ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਚਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਚਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਚਨ ਇਹਦਾ। ਉਹਨੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਬਚਨ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਬਚਨ ਤੇਰਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਰੂਪੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਧਨ, ਲਿਆ ਲਿਆ ਮਾਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸਤਸੰਗਤ ਨੇਤਰ ਕੀਤੇ ਬੰਦ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਰਿਆ ਧਿਆਨ ਕਿ ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ, ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ, ਤੇਰੀ ਓਟ ਤੱਕੀ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੱਕੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਮਿਲ ਗਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਤਸੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾਤੇ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ?
किस वास्ते? एक गुरु की खुशी लैण खातर गुरु चरणा च थां मिल जाए। आखो सतनाम वाहिगुरु। सत श्री अकाल। कहिंदे बस खाली गुरु चरणा च थां एक गुरु की खुशी मिल जाए। चमकौर दी गड़ी बुआ खुलदा है सत्संग गड़ी दा। पांच पांच सात सात का जत्था जो बाहर जाता हूं कि उन्होंने पता नहीं लखां दी सेना बार असी जो बाहर जावांगे तुंबे तुंबे हो जाएंगे। इन्ने जखम साडे शरीर ते लगने ने कि गिनने भी मुश्किल हो जाएंगे। कितों कितों शरीर फटेगा, कितों कितों पाड़िया जाएगा। सच है ना जी? सच है ना? गए किस खातर जी? किस खातर? बस मेरे बाजां वाले दी खुशी मिल जाए, सतगुरां दी खुशी। ओ सिख गुरु दी खुशी खातर कुछ भी कर सकदा, कुछ सिख होवे सिख प्रतीति सिख, जिहड़ा प्रतीत वाला सिख उह गुरु पिछे सब कुछ कर दिंदा। हुण अरदास कीती गरीब निवाज इलाज रखण, तुहाडा बचन अग दे छाल वारण दा पातशाह मैं बचन कमाण लगा। सिखां ने वेख्या बई इह की बण गए, बचन उहनूं दित्ता सी छाल इह मारन लगा। गल की हुई? उह पाया लैके निकल गया। जदों इह छाल मारन ही लगा ना सासंग मारन ही लगा, सिख दौड़दे आए ते दी बांह पकड़, बांह पकड़। कहिंदे ओ सिख की करन लगा? कहिंदे तुसीं मैनूं क्यों रोकिया? तुसीं मैनूं क्यों रोकिया? मैं सतगुरां दा बचन कमाणा। कहिंदे बचन तां उहनूं दित्ता सी, कहिंदे उहने बचन मैनूं वेच दित्ता, हुण इह बचन मेरा है। मैं गुरुआं दा बचन कमा के सतगुर दे चरणां दी बख्शिश लैणा चाहना। कहिंदे ओ भोलिया, फिर बख्शिश लैण खातर तैनूं अग च छाल मारन दी लोड़ नहीं, इदां ही बख्शिश मिल गई। आखो सतनाम वाहिगुरु। सत श्री अकाल। कहिंदे जी मैं समझिया नहीं, मैं समझिया नहीं। कहण लगे कहिंदे जदों सतगुरु जी ने इहनूं कहा सी कि अग च छाल मार, ते पिछों सानूं भेजता सी कि जिवें ही मारन लगे फड़ के लियाओ, फड़ के लियाओ, ते कहिंदे इह तां गया खिसक। हुण छाल तूं मारन लगा सी, तूं बचन कमाण लगा सी, ते हुण तैनूं असीं धर लिया, चल सतगुरां कोल, चल सतगुरां कोल, महाराज उडीकदे ने। चलो ए इधर आ गया हुण सतगुरां कोल। हुण सुणियो साथ, दो पक्ष चलदे पए ने, इक तां इहदा पक्ष, इक उहदा पक्ष, जिहड़ा धन लै के दौड़िया। हुण जदों उह माया लै के गया, इक पेड़ दी छां थले बैठा, जवाहरात हीरे ते फलाणा ते टमकाणा ते माया गिणदा, मोझां लागियां आ हो गए। ते जिहदे होई सी ना चोरी, उह बहुत वड्डा शाहूकार सी। उह साध संगत सिपाहियां नूं नाल लै के टटोलदा पिया सी कि बई किधरे चोर मिल जाए, चोर मिल जाए। साध संगत बहुत बहुत धनी इंसान सी, भालदिआं 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 इत्थे तक पहुंच गया। ते रंगे हाथ, रंगे हाथ उहनूं पकड़ लिया जिहड़ा बैरूपिया सिख सी। उह कहिंदे इह सारा धन तेरे कोल? कहिंदे हां मेरा। कहिंदा तेरा? कहिंदा हां मेरा। कहिंदा चल तैनूं दसदे आ तेरा। ओह मशकां बंधियां पिछे साध संगत हथ बन्ने, मार मार कुट कुट लै के जा। ओह कहिंदा भाई मैं चोर नहीं हाँ, कोई चोर होर सी ओह मैनूं दे गया, हुण कित्थे सुणदे। कहिंदे पहले पहले सीना चोला करके मेरा मेरा करी जावे, ते जदों कबूल कर लिया मेरा मेरा दा मतलब मैं ही चोरी कीती, मेरा ही है। ते साध संगत लै गए हुण फौजदार दे कोल लै के गए, ते सजा की दित्ती गई? कहिंदे इहनूं सूली ते टंग दिओ। आखो सतनाम। सूली ते टंग दिओ। अठा पैरां दे विच विच साध संगत, अठा पैरां दे विच विच उहदी मौत हो गई। आखो सतनाम। अठा पैरां दे महाराज ने की किया सी? तेरी जिंदगी ही हुण अठ पैरां दी रह गई। हो सकदा है जे छाल मारन लगदा शायद, हां जी महाराज बख्शिश कर ही दें, क्योंकि सिख तो भेजे ही सी, सिख तो भेजे ही सन ना पकड़ के लिया। हो सकता है सात संगत
आ मृतक को जीवालन हार जे मेरे सतगुर ने ते की होर बख्शीशा होर आयु नहीं दे सकते, कृपा नहीं कर सकते, बंधन नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते ने, बस एक परख होंदी है सिख दी, परख होंदी। उन्हूं सूली ते टंग दिता गया, फांसी ला दिती गई, अठ पैरां दे अंदर अंदर उहदी मौत हो गई। हुण इधर सिख मेरे धारवी नूं, मेरा जिहड़ा धारवी सी उन्हूं लैके आ रहे, मेहरे नूं उन्हूं लैके आ रहे। महाराज बैठे जां गुरु अंगद साहब महाराज दे दीदारे कीते, भजदा आया ओ मेहरा, मेहरा भजदा आया महाराज दे चरणां नाल लिपट गया कि सच्चे पातशाह तुहाडियां रहम तुहाडियां बख्शिश। गरीब निवाज अज आप जीआं दे दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन हो गया। पातशाह कहण लगे सिखो की गल बनी, ते सिखां ने दस्या कहिंदे महाराज जिस सिख नूं तुसीं भेजिआ सी बई अग च छाल मार, इन्हां दोनों की सौदेबाजी हो गई। महाराज ये चोर है, ये चोर का सिदक तुहाडे ते इन्ना है, इन्ने सौदा कर लिया बई बचन मैनू दे दे, बचन मैनू दे दे ते धन तू लै लै। महाराज बड़े मुस्कुरा रहे ने, उदा तो सब कुछ जानते ने, कट कट के अंदर की जान, भले बुरे की पीर पछाणत सत संगत, हुण उदा तो सब कुछ जानते ने, पर सिखां नूं दस रहे ने एक टेक वाला, एक भरोसे वाला, ओए किथे तक जा सकदा है अपने गुरु लई आखो सतनाम, किथे तक जा सकदा। ये सारी सिख संगतां नूं सतगुरु जी दिखा रहे, ते सात संगत मालक कहण लगे कहिंदे इन्ना तैनूं भरोसा साडे बचनां दे उपर, इन्ना भरोसा जी महाराज, इन्ना भरोसा। गरीब निवाज मैनू पता है जे आप जी दे मुबारक रसना तो इन्नी गल निकल गई ना कि छाल मार दे भला होएगा, ते सतगुरु जी मैनू यकीन है वो अग दे छाल मारन करके मेरा भला ही होंदा, मेरे बंधन कट्टे जांदे, गुरु नानक दे चरणां च थां मिलदी। महाराज ने सिर ते हथ रखिया कहिंदे मेरिया ओए अग दे जे छाल मारन दी लोड़ नहीं, तेरी ए प्रतीत दे सदका, तेरे ए भरोसे दे सदका जा तेरे नाल बचन करदे आ, गुरु नानक दे चरणां च तेरी थां, आखो सतनाम वाहिगुरु सत श्री अकाल। गुरु नानक दे चरणां च तेरी थां, सिखी कमा हुण तो, सिखी कमा, नाम जप भजन कर सेवा कर, हुण कोई चोरी कोई धाड़वी पन नहीं करना जी पातशाह, इत्थे ही रहना तू खंडूर साहब कर सेवा। प्रतीत ऐनी सी साध संगत, प्रतीत ऐनी, इन्ना भरोसा गुरां दे उपर कि सच्चे पातशाह जे आप जी दे मुबारक बचना विचों ये बचन हो गया। हे गरीब निवाज कि गुरु नानक दे चरणा च था ते कहिंदे सच है, और तुसी भी तो गुरु नानक ही हो, अज वेखो तुहाडे गुरु नानक दे चरणा च मैनू थां मिली गई, आखो सतनाम वाहिगुरु सत श्री अकाल। तुसी कहिआ गुरु नानक दे चरणा च थां, ते साध संगत अगो पता की कहिंदे, कहिंदे तुसी भी तो गुरु नानक दा रूप हो, हे गरीब नवाज देखो अज इस धाड़वी नूं ओ जेड़ा कोई शरण नहीं देंदा सी, डरदे सन सारे मेरे इन्ने नीच कर्म इन्ने माड़े कर्म, अज अपने चरणा च अपने चरणा च थां देती तुई सतगुरा, मेरा एडा वड्डा कल्याण कर दिता, एडा वड्डा कल्याण कर दिता। आओ सारे कृपा करियो बोलियो जी, हर एक सैदी में टेक है जो सिर सबना समरत, हर एक सैदी में टेक है जो सिर सबना समरत।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਲੋਂ 3 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ 2 ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। 2004 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 2007 ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਈ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਈ 2011 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਕੇਵਲ ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਮਾਇਆ ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਮੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਪਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਪਿਆਰ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨੇ। ICICI ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ 0642010008 44, RTGS, NEFT, IFSC, ICICI 0000642। ਦਸਵੰਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਜੀ www.bhaidayasinghji.com ਅਤੇ www.bhaigurshansinghji.com ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਮਾਇਆ ਆਪ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 80G ਦੇ ਅਧੀਨ ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ।